अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन हाशमी और आप देख रहे हैं हसन हाशमी अनसेंसर्ड। नाज़रीन, पिछले दिनों में मैंने आपको खबर दी थी और खबर मैंने आपको ये दी थी कि खान साहब जेल में बैठे हैं और जेल में बैठे खान साहब के नाम पर बाहर दिहाड़ियाँ लग रही हैं। जेल में बैठे खान साहब के नाम पर बाहर सियासत हो रही है। जेल में बैठे खान के नाम पर बाहर अपनी मर्जी के, अपने मुफादात के तहत मामला तय किए जा रहे हैं। और मैंने आपसे इस सिलसिले में बड़ी वाज़ेह तौर पर एक बात कही थी कि जो भी जेल के अंदर बैठे खान के हवाले से बाहर आकर बात करता है ना, इस बात को क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। अब क्रॉस चेक कैसे किया जाए, इसका भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही वजह है कि चूँकि ना क्रॉस चेक हो सकता है ना कुछ हो सकता है, तो जो बंदा अंदर जाकर बाहर आता है और बाहर आकर बताता है कि खान ने ये कहा है, तो बेचारे जो भी उनके फॉलोअर्स होते हैं वो इस बात पर यकीन करने के लिए रेडी होते हैं। आज इस बात की तस्दीक हो गई और इस बात की तस्दीक होते हुए बाकायदा इसकी वीडियो सामने आना शुरू हो गई और अब वो कहते हैं कि एक दूसरे का टिड़िला गाना नंगा करना शुरू हो गया है। अब एक दूसरे के पेट से कपड़ा उठाया जा रहा है और अब वो राज भी अफशा हो रहे हैं जो इस बात की और इस खबर की सदाकत और इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं जो मैं आपसे काफ़ी दिन पहले डिस्कस कर चुका था। तो बड़े होश से चीज़ों को सुनना है। शेर अफजल मरवत साहब, इनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को डिस ऑन कर लिया है। अगेन, शेर अफजल मरवत साहब को इमरान खान साहब ने डिस ऑन कर लिया है और बड़ा तगड़ा फैसला किया है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। साथ ही साथ नाज़रीन, इस वक्त तैयार हो जाइए, मैं ख़ास तौर पर उस पूरी ब्रिगेड, उसके लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पहले ही पढ़ लेते हैं, जिन्होंने फरते जज्बात में आके काजी फैज़ ईसा या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई थी और उस मुहिम के खिलाफ एक ऐसी ज़बरदस्त तगड़ी जेएटी बन गई है जिसने, वो कहते हैं, बर्बाद करके रख देना उन तमाम लोगों को जो बढ़ चढ़ कर अफलातून बने हुए थे और बिलो दी बेल्ट और जो मुंह में आए बके जा रहे थे, भोंगी जा रहे थे। तो ये भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा नाज़रीन, दो मैंने ख़ास वीडियोस का आपको हवाला देना है जिसमें इस्लाम की कुफ़ बेचा जा रहा है। मतलब वैसे तो नऊज़ुबिल्ला ये सिलसिला हमारे इधर बड़ा आम है, लेकिन आज जब इंतखाबात का मामला आया तो उसमें कुरान पे हलफ भी लिए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि जेड़ा वोट नहीं देगा वो मुसलमान ही नहीं। और अनफॉर्चुनेटली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ही सारा कुछ हो रहा है और इस पर कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है। इस सारी सूरत में बात करेंगे, लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो अब तक पहुँचे और साथ ही साथ अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। अब आ जाए जी उस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हम जिक्र कर लेते हैं जनाब शेर अफजल मरवत साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जो खलफशार और सियासत और तितर बितर चल रही है मामला। अच्छा, इस बात को अपने ध्यान में रखें कि मौजूदा हालात में खान साहब को बाहर से ज़्यादा अंदर से ख़तरा है। मैंने आपसे ये बात बहुत कैटागोरिकली कही और इस सिलसिले में वंस अगेन मैं, अच्छा, ये खबरें जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मेरा कोई सिर्फ तज्जिया नहीं है इसमें। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि बल्ले के निशान के सिलसिले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अपनी प्रिपरेशन इस कौम के सामने रखी वो आपने देख ली, क्योंकि लाइव था ना सारा माहौल। और इस सिलसिले में हुकूमत ने जो चालाकी की कि सुप्रीम कोर्ट में बल्ले या इस किस्म के मामलों के जो केसेस थे वो डायरेक्ट खान साहब को भी दिखाए, जेल में जो टीवी उन्हें दिया गया है उसमें उनके वकला की कारकर्दगी लाइव चूंकि इमरान खान साहब ने देखी है, तो आप खुद नज़र लगा सकते हैं कि उनके दिल के अंदर कौन से पटाखे फूट रहे होंगे, किस तरीके से भूंचाल बरपा होंगे। और आप ये देखिए कि इस वक्त सोशल मीडिया पर खान साहब के बल्ले के निशान को ले लें या दीगर और मामला को ले लें, उनके वकला या उनके वकला की टीम की जो प्रिपरेशन ना होना है वो चूंकि सामने आ चुकी है, इस लिहाज से ये बड़ा कमाल महारत से उन्होंने लाइव टेलीकास्ट करके इस रास्ते को बंद कर दिया कि कोई एम ही आके मुँह चुक के गल की जाए या किसी को प्रोपेगंडे के जरिए बेवकूफ़ बनाए। तो अब ये जो सारा मामला है खान साहब के, वो ज़हनी तौर पर डेफिनेटली डिस्टर्ब कर रहा है और डिस्टर्बिंग है। और मैं हमेशा आपसे ये कहता रहा हूँ पहले भी कि खान की सबसे बड़ी मुश्किल वो लोग हैं जो इस वक्त खान के करीब है और खान के नाम पर आए के अपनी सियासत को चला रहे हैं। अच्छा, अब जी शेर अफजल मरवत साहब का जो मामला था, बल्ले का निशान छलता है छिनता है, जैसे ही बल्ले का निशान छिनता है तो उसके बाद क्या होता है, शेर अफजल मरवत साहब एक ऐलान करते हैं जी कराची में पीटी आई के जलसा होगा। मतलब अभी केस चल ही रहा था, अब वो जलसे के सिलसिले में जनाब कराची जाते हैं और कराची के अंदर एक धमा चौकड़ी सिर्फ और सिर्फ शेर अफजल मरवत के ट्विटर पर उसकी ब्रांडिंग हो रही है, तशहीर हो रही है, लोगों को बुलाया जा रहा है। पीटीआई टोटल जो भी है वो
इस जलसे से लातालकी का इजहार करती है और लातालकी का इजहार करते हुए साइड पे होती है। इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में एक पोस्ट नहीं आपको मिलेगी जिसमें पीटीए जलसे की बात की हो। अब आप तस्वीर कीजिए कि शेर अफजल मरवत साहब इस बात को जानते हैं, वैसे तो लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन अब मौजूदा हालात में पीटीआई के अंडर अम्ब्रेला यानी पीटीआई के नाम पर होने वाले जलसे से पीटीआई जब इजहार लातालकी करते तो उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब फट पड़ते हैं। शेर अफजल मरवत साहब फट पड़ते हैं और उसके बाद उनकी जो वीडियो आती है उसमें वो बात खुलकर करते हैं और सदर अलवी साहब पर भी शदीद तनकीद करते हैं, उनके बेटे को जो टिकट दिया उस पर भी शदीद तनकीद करते हैं, और इसके अलावा जो उनके खिलाफ रऊफ हसन साहब हैं उनका आपस में जो उन्होंने टीवी पे आकर बात कही प्रोग्राम के अंदर बाकायदा, उस पर शदीद तनकीद का निशाना बरतन करते हैं। और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इन सारी पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए वो कहते हैं जी मैं तो तगड़ा बंदा हूँ, मैं पीटीआई और खान का वफादार हूँ। खान डिसोन कर रहा है, खान तो फूटे मुंह नाम नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ मेरी खबर की तस्दीक ऐसे होती है कि जो रऊफ हसन साहब है ना वो तकरीबन वही अल्फाज अदा करते हैं जो मैं आपके साथ पहले अदा कर चुका हूँ। वो अल्फाज नाज़रीन जी अदा करते हैं कि जनाब जो शेर अफजल मरवत साहब बाहर आकर बताते हैं कि खान ने ये कहा है, तो सबसे पहले इस बात की तस्दीक आपने की है कि क्या शेर अफजल मरवत की मुलाकात हुई है जेल में। अब मिसाल है जो पंजोता साहब आते हैं डट के खड़ा है कप्तान, एब्सोल्यूट नॉट करने की सजा मिल रही है। शाहीन साहब आते हैं, ओहो कप्तान ने जनाब बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दे दिया। बैरिस्टर गौर जेल से आते हैं, अब कहते हैं जी खान ने ये कह दिया, खान झुका नहीं है और खान ने कह दिया बस अब देखना कैसे सब कुछ बदलने जा रहा है। बुशरा बीबी जाती है, उसकी बहनें जाती हैं, पता नहीं क्या कुछ जो भी, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि भाई हम जब अंदर जाते हैं हमारे पास इवन कोर्ट के ऑर्डर होते हैं लेकिन उसके बावजूद जेल इंतजामिया हमें कई तो मिलने नहीं देती, हम मिल ही नहीं पाते, लेकिन बाहर आकर हम फिर डेफिनेटली बताते हैं भाई खान से बड़ी कम कमाल मुलाकात हुई। मैं कहता हूँ छा गए, खान तो ऐसे था खड़ा जैसे त्याजा से बेकरी से निकला केक होता है, मौसम का वो कहते हैं कि फल होता है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से खान के नाम पर दिहाड़ियाँ लग रही हैं। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट और मैं आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट ये नुकता रखने लगा हूँ और ख़ासतौर पर वो तमाम यूथ इस बात को समझें, और हजूर ये जो आपके टिकट होल्डर्स हैं जो कि अब आज़ाद ऐसे ऐसे लड़ रहे हैं, किसी को कद्दू मिला, किसी को बैंगन मिला, किसी को हाथ वाली मशीन मिली, किसी को कुछ मिला, सब मिल ही गया बहरहाल। ओ भाई ये तो बल्ले के निशान से पहले जो डीलिंग हुई थी जिसके बारे में खान कहते हैं कि मुझे नहीं पता कौन कौन टिकट होल्डर है, आप मुझे एक बात बताइए कि इन तमाम टिकट होल्डर्स को किन बुनियादों पर टिकट दी गई है। लास्ट बात है बैरिस्टर गौर साहब, शुएब शाहीन साहब, अच्छा बैरिस्टर जफर साहब, अच्छा जो भी कोर कमेटी है उस कोर कमेटी के अंदर क्या बात, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा इस कोर कमेटी के अंदर पिंडी के गेट नंबर 4 के लोग हैं, जिसके बाद उस कोर कमेटी को भी ख़त्म कर दिया गया। आपके इल्म है ना ये सारी बातें, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इन टिकट होल्डर्स को जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, इलेक्शन में हिस्सा लेकर कामयाब भी होना है, नज़र आ रहा है ना एक वोट बैंक तो है बाहर, अच्छा अब वो कामयाब होने के बाद उन्होंने पीटीए को तो ज्वाइन नहीं करना। अच्छा मेरा ये तज्जिया है वैसे बाय द वे, लेकिन खाली तज्जिया नहीं है, ये नज़र भी आ रहा है ना, आज़ाद उम्मीदवार की बोली होती है, आज़ाद हैसियत से जीतने वाले जितने होंगे ना इनकी आंखें माथे पे होंगी, ये पीटीए को पहचानेंगे भी नहीं, ये सारे के सारे जो पीटीए के टिकट होल्डर्स हैं अगर ये कामयाब हो गए जो आज़ाद हैसियत से पीटीए के वोट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अगर कामयाब हो गए तो अगर इन्होंने पीटी को ज्वाइन कर ली ए फिर संभाल लेना मेरा क्लिप फिर वंस अगेन। तो इस सूरत हाल में कितनी मुश्किल हो गई है। अब हो ये रहा है कि जो इमरान खान साहब है ना वो ज़बरदस्त तरीके से खुद सामने आ गए, क्योंकि प्लान ए और प्लान बी जिस तरीके से कामयाबी के साथ खुद इनके अपने वकला ने वार दिया, अब खान साहब खुद आ रहे हैं कुरान के हवाले दे रहे हैं, इस्लाम के हवाले दे रहे हैं, नफ़रत में इतना गिरना गिरोना उसके हवाले दे रहे हैं, बेचारे क्या करें। लेकिन अब उन्होंने प्लान सी का जो जिक्र किया है वो प्लान सी मेरे ख्याल से उन्होंने अपने दिल में ही बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट और मुझे दुख होता है इस बारे में कि खान के पास एक बंदा ऐसा नहीं जिस पर वो एतमाद कर सके जो नॉर्मली एतमाद किया जा सकता है। तो हकीकत में नो डाउट वो एक अलोन पर्सन है, और मैं एक बात बताऊँ खान को सबसे ज़्यादा खतरा अपनी पार्टी से, खान को सबसे ज़्यादा खतरा अपने उन तमाम लोगों से है जो उनके नाम पर अपनी सियासत को चमका रहे हैं। वंस अगेन मैं आपसे ये बात बार बार कर रहा हूँ
कि उनका ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड और यूजर नेम भी उनके पास नहीं है। वो किसके पास है, कौन है जो उनके नाम पर स्टेटमेंट भी इवन जारी कर रहा है? ये बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल खान साहब ने कहा है कि 8 फरवरी को हम बाहर निकलेंगे, जब वोट डालेंगे जब, तो झटका लगेगा। 8 फरवरी को इन्हें झटका लगेगा, हमारे पास प्लान सी भी मौजूद है। अब हम उन्होंने ये प्लान सी, प्लान ए बी और तो आपने देख ही लिया, तो प्लान सी खान का मेरे ख्याल से अकेले का ही होगा, क्योंकि अगर प्लान उनके पास आ गया प्लान सी तो फिर तो मामला ख़त्म हो जाएगा ना, ख़राब हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में अगेन अडियाला जेल में उन्होंने बात की है और ये कहा है कि चीफ जस्टिस मुसलमान है और मुसलमानों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि दुश्मनों से इतनी भी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको, कुरान सबके लिए है और हमारा काम याद करवाना, इंसाफ के निज़ाम पर यकीन नहीं चाहता हूँ कि कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए ताकि कौम को पता चले कि क्या हो रहा है। खान साहब, अभी तक जो बराह रास्त कार्रवाइयाँ दिखाई गई हैं वो डायरेक्टली आपके बड़े मुखालिफ गई हैं। अब आ जाइए जी, खैर उस बात की तरफ जिस बात को मैंने जिक्र किया, जीआईटी। नाज़रीन, जीआईटी बनी है जनाब उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने बाकायदा एक बड़ा भरपूर किस्म का मुहिम शुरू की सोशल मीडिया पर, और उसमें जनाब उन्होंने कहा काजी फैज तक की बड़ी बदतरीन बदतारीफ़ की। एनी हो, जो अब जीआईटी बनी है उसने करना क्या है? उसने ये करना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ मुहिम के मुहरिकात और ज़िम्मेदारों के हवाले से तहकीकात करेंगे और तहकीकात करके एफआईए की साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सरबराही में 6 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। फिर वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन में इसका हवाला देते हुए कहा गया है कि जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की दफ़ा 30 के तहत ये सारा कुछ हो रहा है और इसमें तमाम उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो काजी फैज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, और उसमें जनाब शामिल हैं जी डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल इसकी सरबराही है जीआईटी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, इसके अलावा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के 20 ग्रेड के अफसर, इस्लामाबाद पुलिस के डीआईजी, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए के 20 ग्रेड के अफसर और एक और अफसर पर मुश्तमिल होगी, और ये सारा काम जो है वो खुद इसको देखेंगे। अच्छा, मुझे ना एक वैसे ज़ाती तौर पर काजी फैज ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो लोग भी मुहिम चला रहे हैं उसमें उनके ख़िलाफ़ जो जो वीडियो एडिटिंग या फोटोशॉप करके तस्वीरें लगाई जा रही हैं उनसे कतए नज़र, उनको तो खैर अब ये जीआईटी देखेगी, लेकिन एक पोस्ट मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी पसंद आई, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लिखा है कि अगर काजी की बेटी पैमरा में सिफारशी मुलाजिम होती, अगर काजी की सास भी फ़ोन पर पकड़ी जाती, अगर काजी की अहलिया धरनों में लहू गरमाती, अगर काजी का लड़का भी ट्विटर कंपेन चलाता, अगर काजी अदम एतमाद के दिन बाजवा के पास जाता, अगर काजी आयन बदल देता, अगर काजी गुड टू सी यू कहता, तो आज काजी फैज ईसा इन यूथियों का बाप होता। कड़वा सच जानकर जियो, मतलब ये एक बड़ी बदकिस्मती है, बदतरीन बात है कि बदतरीन अदालती जो पिछली कार्रवाइयाँ चलती रही हैं उन पर तो वाह वाह होती रही, लेकिन आज जब काजी फैज ईसा साहब जैसा बंदा पाकिस्तान को मिला है तो किस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन खैर, उनका सदेबाप करने के लिए जीआईटी बन गई है। दूसरा नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं, एक तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कुरान पर हलफ ले रहे हैं या दे रहे हैं, और कुरान पर हलफ देते हुए अपनी वफादारियों का ख़ास तौर पर कह रहे हैं, जो तो लीगी उम्मीदवार के हामियों से कुरान पर हलफ लेने की वीडियो सामने आ गई। ठीक है जी, तो अब इस सारे मामले पर ये भी कुरान पर हलफ ले रहे हैं, इसके अलावा शाजिया मरी की एक वीडियो सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जी आप मुसलमान ही नहीं अगर वोट नहीं देते पीपल्स पार्टी को, मतलब इसके अलावा बेतहाशा इस तरह मुख्तलिफ लोगों की वीडियोज़, मुख्तलिफ जमातों की वीडियोज़ सामने आ रही हैं जिसमें वो इसी तरह की कमोबेश बातें कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतों में भी जाएंगे तो रोज़ाना झूठे कुरान उठाए जाते हैं। लेकिन इस छोटी सी ज़िंदगी के लिए, इस कुरान पाक की ये जो बेहुरमती हो रही है, ये कितनी महंगी पड़ने वाली है और इसका वबाल हमारी ज़ात पर कितना आया हुआ है, अगर इसको हम समझ जाएँ तो हम इतने बड़े गुनाह से बच जाएँ। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।